गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। हमेशा की तरह मैं आज भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, शो ट्यून करके बैठ जाएंगे कि 9 से 11 बजे तक आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए। और दिन का आगाज हम मजेदार से एक रिसर्च के साथ करेंगे। जनाब, आप खाने पकाने का शौक हर एक को होता है और बेकिंग का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इवन पहले आप सोशल मीडिया पर जाते थे, आपको कपड़े और ये सारी चीजें नजर आते हैं, लेकिन अब आपको नए नए तरीके रेसिपीज देखने को मिलती है और आप उसको ट्राई भी करना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, चूंकि हम बार बार यही कहते हैं कि बहुत एक इजी प्लेटफॉर्म है कि आप अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते उसके लिए, आप अपनी एक वीडियो बनाएं, उसको अपलोड करें और आप बैठे बिठाए मशहूर हो सकते हैं। और इसी तरह जनाब हुआ टोक्यो के एक माहिर शेफ हैं जिन्होंने पोट्री जानवरों के या इंसानों के, मुख्तलिफ फनकारों के, उन्होंने पैनकेक्स बनाए और वो पैनकेक्स जनाब बहुत मशहूर हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुई है जिसमें बताया गया और उसमें दिखाया भी गया कि किस तरह से वो मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल और मुख्तलिफ जो कार्टून करेक्टर्स हैं उनके पैनकेक्स बनाकर उसको सील अप करते हैं। और इनके पैनकेक्स खाने के लिए जनाब बड़ी लंबी कतारें लग जाती हैं और तब जाकर कहीं इस्माइल शेफ के हाथ के पैनकेक्स जो हैं इनको खाने को मिलते हैं। तो नो डाउट एक मेहनत, और वैसे वही बात है कि खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का आपको अपने आप दिल कर जाता है। और प्रेजेंटेशन इतने मज़े की हो, आपको पैनकेक्स हो वो भी मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनी हो उस पर, तो बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ हो जाती है। तो जनाब टोक्यो के हमारे शेफ हैं जो मकबूल हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाए और आपको भी बताया जाए कि कितना मुश्किल काम है और कितनी बारीकी से वो पैनकेक्स बना रहे हैं। मतलब मेरे जैसी हो, मैं तो एक गोल पैनकेक बनाते हुए बंदे का हाथ रह जाता है, तो ये तो फिर शक्लें बना रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो थी, हमने आपके साथ वीडियो शेयर कर ली। जरा अगली भी कुछ अनोखा काम है। अच्छा, हर एक का अंदाज डिफरेंट होता है। मतलब हम देखते हैं कि लोगों ने कोई चीज़ से बेचनी है, कोई चीज़ खाने की चीज़ है, कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ है और उसको बेचना होता है तो मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। इसी तरह जनाब अब आप पाइनएप्पल की बात करते हैं, पाइनएप्पल की आप सोचें माइंड में उसकी एक शक्ल बनाए आप पाइनएप्पल की कि कैसा होता है पाइनएप्पल, और आप यही रिलेट करें कि किसी इंसान का हेयर कट भी पाइनएप्पल जैसा हो। मतलब कितनी अजीब सी सोच आ रही है मुझे। अच्छा लोग जनाब, अब जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट तरह के अंदाज अपनाते हैं चीज़ें बेचने के लिए, ऐसा ही हुआ कि जनाब अपने फल बेचने के लिए, क्योंकि वो अनानास बेचता था ये शख्स, और उसने ऐसा अंदाज अपनाया कि लोग फल की बजाय उसको देखने के लिए अनानास खरीदने चले जाते होंगे। और ये जनाब उसने अपने जो बालों का डिज़ाइन है, अपना हेयर कट है, इवन उसका कलर भी उसने पाइनएप्पल जैसा बनाया, और लोग मेरे ख्याल से पाइनएप्पल कम और इसको देखने ज़्यादा जाते होंगे। और ये भी सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हुई और इसके बाद से ये वायरल हुई, और ये देख सकते हैं कि इस फ्रूट वाले का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और नो डाउट इंटरेस्टिंग भी है। मतलब कलर भी उन्होंने वैसा ही कर लिया है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे लोग इसको रिलेट भी कर सकते हैं अपने आप से। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम में खुदा ना खास्ता आप किसी फंस जाए तो कहते हैं जनाब हम नहीं किसी से डिस्कस कर सकते, प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब आप डिस्कस करते हैं। कुछ कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि इससे एक तरह से आपका कैथारसिस होते हैं, आपको मुख्तलिफ तरह की राय भी मिल जाती है। कुछ इन राय या जो मशवरे हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ इनको नेगेटिव लेते हैं, तो यही सूरत हाल रहती है। आज इस टॉपिक को चूज करने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर सकें और कुछ हेल्प हम कर सकें इस टॉपिक के डिस्कशन से, तो डेफिनेटली आपके हमें भी खुशी होगी कि हमने आपकी हेल्प की। जनाब आज हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद होंगे रफत मलिक, उनको वेलकम करेंगे। रफत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा रफत, ये जो टॉपिक है कुछ इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इसके दो पहलू भी हैं। हम प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा आगाज किया प्रोग्राम का और अपने क्वेश्चन का आपने शुरू में ही बता दिया कि जितने भी लोग पॉपुलर हुए या जिन्होंने कोई आइडिया बिजनेस में लिया उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया, उससे पहले उन्होंने स्टडी किया, देखा और शेयर किया। अगर आप इंसान की ज़िंदगी को लें तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हों, जिसने गलतियाँ ना की हों, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो हमारी लाइफ के तीन स्टेजेस हैं, एक बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। बचपन में तो एट एनी कॉस्ट आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट करना है और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे होती है और वो आपको समझते हैं।
बीच वाली जो स्टेज है उसमें जो आप प्रॉब्लम होते हैं आपको या आप गलतियां करते हैं कुछ भी, मेरे ख्याल के मुताबिक और मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में मैं इस बात पर ज़ोर दूंगी कि हमें अपनी गलतियों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम को अपनी गलतियों को शेयर नहीं करेंगे तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आप देखें दुनिया में जितने भी इंसान जिन्होंने तरक्की की, आगे गए बिजनेस में, सोशल साइंसेस में, ह्यूमन एटीट्यूड में, किसी भी चीज़ में, उन्होंने क्या किया कि अपनी गलतियों से सीखा। अगर हम इतने सिक्रेटिव हों, हर बात अपने तक महदूद रखें, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। अच्छा रिफत, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे यहाँ बच्चों में ये चीज़ है कि हम अपनी गलती, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करें, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा इनिशियल स्टेज से अगर डिस्कशन करें तो बच्चों में ये आदत नहीं है कि वो अपनी गलती भी माने या अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करें। इनफैक्ट वो शेयर ना करना का ये समझते हैं कि अगर हमने शेयर की तो हमें इससे डांट पड़ेगी या हमें कुछ इसका नेगेटिव एक बिल्कुल ये आएगा। आपने सही बात की, उसकी वजह ये है कि जी आजकल लाइफ में जो हजल बजल है उसमें पेरेंट्स इतने मसरूफ हैं कि जितना हमारे पेरेंट हमें टाइम देते थे आज के पेरेंट के पास उतना टाइम नहीं है। वो अपने लाइफ में लगे हुए हैं, बच्चे का वही रूटीन, स्कूल जाना आना और जो भी उसकी प्रॉब्लम हो उसको अपने तक रखना। लेकिन मेरे ख्याल में आज भी बहुत से आपकी ज़िंदगी में दो लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। एक आपके वालदैन, दुनिया में हर वालदैन ये चाहते हैं माँ हो बाप के उनका बच्चा उनसे आगे हो लाइफ के तमाम फील्ड्स में, और दूसरा आपका उस्ताद। आज भी उस्ताद जो है उस्ताद ही रहता है लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो दुनिया में नाम रोशन करते फिरते हैं। ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका जो इंसान की शख्सियत को बनाते हैं। तो मैं सब वालदैन से ये गुजारिश करूँगी कि आज जब हम मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा तो हम क्या करते हैं, वालिद थके हारे काम से बाहर आए हैं, उन्होंने नेगेटिविटी से शुरू करना है, आते ही बच्चों को डांट डपट के तुमने ये नहीं किया, वालदा आई अपने काम से तो वो बच्चे की कोई और खामी जो है वो पॉइंट आउट की, जिससे बच्चा जो है डिस्करेज होता है और जो उसने अपने माँ बाप से बात करनी होती है वो उसके दिल में ही रहती है। मैं सब वालदैन जो देख रहे हैं आपके तवस्सुस से उनसे ये कहूँगी कि अपना एटीट्यूड बदलें, वक्त बदलने के साथ साथ हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और जो बात हम डांट के कह सकते हैं, मार नहीं प्यार, हमें अपने बच्चों को खूबसूरत नामों से बुलाया करें, जूं ही घर आएं अपने बच्चों से प्यार करें, उनके नाम रखें खूबसूरत, और जब आप उनसे बहुत प्यार करेंगे तो उस नाजुक लम्हे में बच्चा आपको स्कूल की सारी स्टोरी सुना देगा। बिल्कुल, जब बच्चा आपको सारी स्कूल की स्टोरी सुना देगा उसमें जहाँ उसको प्रॉब्लम होगी आप इनडायरेक्ट तरीके से उससे समझ लेंगे और फिर टीचर्स के साथ मिलके बच्चे की वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इसी तरह से बहुत से हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि पेरेंट आपस में लड़े हुए होते हैं और वो आके कहते हैं कि मदर कहती है कि फादर आए तो उसको नहीं मिलने देना, फादर कहते हैं कि मदर आए तो मिलने नहीं देना, कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं और वो इतना नेगेटिव असर पड़ता है बच्चे के ऊपर कि बच्चे और सीक्रेटिव हो जाते हैं और कोई बात बताते नहीं है जो उनकी शख्सियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर घर में बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा तो उस्ताद अपना फर्ज निभाए, उस्ताद आगे आए और बच्चों से बहुत प्यार से सारी बातें पूछे, और अगर होमवर्क में या किसी चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, और आप देखें कि बहुत से टीचर्स ऐसे करते भी हैं, यहाँ तक कि हमारे पास बच्चे पढ़ के चले जाते हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं, हम उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं जहाँ आखिरी फील्ड तक, कि अगर वो प्रोफेशनल कैरियर में जाते हैं तो जो अच्छे टीचर्स हैं उनके बच्चे आके उनसे पूछते हैं कि जी अब मेरे ये सब्जेक्ट हैं, मुझे इस सब्जेक्ट की समझ नहीं है तो मैं किस तरह से करूँ। तो अगर हम हर शोबे में अपने वालदैन को इत्माद में लें और वालदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ के बच्चों से प्यार से पेश आएँ, क्योंकि बच्चों ने खुद नहीं आना, इसी तरह से उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़े और बच्चे को प्यार से मोहब्बत से उसकी काउंसलिंग करे और उसे अपने साथ मिलाए, क्योंकि जितने भी हम अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे उससे प्रॉब्लम कम होंगे। लेकिन अगर हम अपने प्रॉब्लम को अपने तक रखें तो फिर ना तो हम उससे कोई सबक ले सकते हैं ना ही हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। यही बात जो हम इनिशियल स्टेज से डिस्कस कर रहे थे बड़े होकर भी,
हमारे यहाँ शुरू से चीज इंडक्ट नहीं की जाती क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे आप बता रही हैं पेरेंट्स का रवैया, आप गलती ना मानना, इवन बड़े होने तक बहुत सारे वो कहते हैं ना आदतें पुख्ता हो जाती हैं, बड़े लोगों में भी ये चीज पाई जाती है कि ना वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस करते हैं, लगता है अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम किसी को अपनी वीकनेस दें। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह ये है, देखें बच्चों को जब आप शुरू में ही उनको पूरी तवज्जो नहीं मिलती, असल मसला ही ये है कि जब हम अपने बच्चे को पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, उसे पूरी हेल्प नहीं देते, उसकी काउंसलिंग नहीं करते, तो फिर क्या होती है, उसे आदत पड़ जाती है, वो पहली गलती करता है। फ़र्ज़ करें ये एक बहुत मामूली सी बात है, अक्सर बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं आते और माओं को पता ही नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली के बच्चे आके फिर दूसरे बच्चों से लंच लेते हैं। अब देखें अगर आपने अपने बच्चे को सुबह लंच नहीं बना के दिया, उसको सुबह तैयार करके नहीं भेजा, एक नौकर पे छोड़ा हुआ आपने, तो वो बच्चा यकीनन जाके जब उसे भूख लगेगी अपने फ्रेंड से लंच लेगा और फिर उसकी, या अगर वो नहीं देगा प्यार से तो फिर वो चोरी करेगा उसका, ठीक है। अब उसकी कंप्लेंट्स आएंगी, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका काम है कि वो पहले दिन से ही ऑब्जर्व कर लें, और कर लेते हैं टीचर्स, और फिर पेरेंट्स को कॉल किया जाता है कि जी उठें सुबह और अपने बच्चे को लंच बना के दें। ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन जब बच्चा शुरू में बचपन में दूसरों का लंच चोरी करेगा तो बड़ा होकर भी वो छोटी छोटी बातों को बहुत मामूली समझेगा। इसलिए अगर हम अपने बच्चे की शख्सियत और उसके बहुत करीब हों दिल से, तो फिर ऐसे मसाइल जो हैं, बच्चे को गलत और सही की तमीज़ बचपन में ही बता दी जाती है कि किसी से चीज़ लेनी नहीं है, उसको देनी है। अगर हम ये चीज़, हाँ जी, अगर शुरू से ही बच्चे को ये आदत डालें तो फिर बड़े होकर भी लोग अपनी गलतियों को कॉन्फेस करते हैं और उसके बाद उससे सबक हासिल करते हैं। आज आप महजब दुनिया में देखें, हर जगह पर छोटी छोटी बातों के लिए लॉज बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम फेस करते हैं फिर उसको शेयर करते हैं और सीखते हैं उसे। हाँ, और फिर उससे सीख के उसके मुताबिक कवानीन बना देते हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को कानून में शामिल कर देते हैं तो वो फिर हमें बहुत बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सब गलतियाँ होती रहती हैं, नेशनल लेवल पर, उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर कोई गलती नहीं मानता, बल्कि हम अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि वो उसने ये किया तो ऐसे, और जब वो पूरा फिर उसका पानी सर से गुजर जाता है तो फिर कोई भी उसका जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं होता। थैंक यू वेरी मच रिफत, बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने इतनी जबरदस्त बातें की जनाब। यही बात कि अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस जरूर करनी चाहिए और शेयरिंग के लिए आपका एक फ्रेंडली एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं या टीचर्स हैं, तो ये सारे लोग मिलकर ही इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।